अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खुशी से होंगे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टूर एंड टॉक। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज आपके साथ डिस्कस करेंगे रमज़ान की रूटीन, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ चुका है और रमज़ान का आज ये दूसरा रोज़ है। तो जो बेसिकली आज का व्लॉग होगा या जितने आने वाले व्लॉग होंगे वो रमज़ान से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मौसम जो है बिल्कुल क्लियर है और धूप काफ़ी तेज़ है। फिलहाल तो बारिश के कोई चांसेस वगैरह नहीं है। तो यार हम गए थे सो और टाइम हो रहा है 1:45। अभी चलते हैं, नमाज़ और अदा करते हैं। हाँ जी, तो नमाज़ पढ़ ली है हमने। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी बैठक में जाते हैं, वहाँ पर कोई टाइम बैठते हैं और देखते हैं कौन कौन आए हुए। मौसम जो है बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी तेज़ धूप है। पहुंच गया जी बैठक में। फिलहाल दोस्त नहीं आए, दोस्त तो शायद अभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। एक दो दोस्त बैठे हैं, बाकी इसके अलावा जो बाकी दोस्त हैं वो फिलहाल नहीं आए, वो शायद कुछ टाइम तक आएंगे। तो अभी हम इधर पुल के पास आए हैं जी, नालनगढ़ के पुल के पास। यहाँ पर टाइम पास करने के लिए, अभी क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने से काफ़ी टाइम रहता है, तो रमज़ान के अंदर जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम भी इधर ही आए हुए हैं। यहाँ पर भी लोग बैठे हैं जी, टाइम पास कर रहे हैं। जब इफ्तारी होने से 10-15 मिनट रहते हैं तो तब यहाँ से लोग फिर घरों की तरफ चले जाते हैं। फ़िलहाल इधर बैठे हैं, ये पुल की दूसरी तरफ। ईद हो या रमज़ान, तो हमारे पास यही पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पर लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए और टाइम गुजारने के लिए। तो जब ईद उल फितर होती है तो तभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। शाम के टाइम यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं अपनी ईद गुजारने के लिए। एक ये है नालनगढ़ के पास, पुल के पास एक ये पिकनिक पॉइंट है हमारे पास, और एक दूसरा चश्मे वाली साइड पे। तो ये दो हमारे पास जगह हैं टमन के अंदर, हमारे गांव के अंदर, जहाँ पर लोग जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, गुजारते हैं। यहाँ पर पिकनिक पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, ये वाली जगह। जब से ये एक्सटिवेटर इधर लगी है तो नालनगढ़ की खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक खंडर की सूरत अख्तियार कर गया। पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जगह जगह आप देख सकते हैं कि मिट्टी निकाली गई है इस वजह से। यहाँ पर टिकटॉक के लिए वीडियो बन रही है, अभी वो डेवो आएगी तो डेवो के अब जब भाई टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं देख। हाँ उन्हें बच्चों दार में दार समझो, आला जी का वलीमा न समझो, फुफड़ का वलीमा न समझो, मैं बनाना हूँ।
हाँ जी, तो हम भी घर के पास पहुँच चुके हैं और अभी रोज़ा इफ्तार होने वाला है, तो रोज़ा इफ्तार करके उसके बाद मिलते हैं। तो हम भी नमाज और तरावी से फारिग हो चुके हैं जी। तो ये है जी रूटीन रमज़ान के अंदर हमारी। अभी कुछ दोस्त तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज अदा करने के बाद वो भी बैठक के अंदर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर लूडो वगैरह भी खेलते हैं, सहरी तक यहाँ पर दोस्त जागते हैं। और ये थी हमारी रूटीन जी रमज़ान के अंदर, जो हमारी रूटीन होती है ये आपके साथ शेयर की है। ये है जी लूडो जो सब दोस्त इधर रात को खेलते हैं। अभी कुछ टाइम तक सारे दोस्त आ जाएंगे तो फिर वही स्टार्ट करेंगे लूडो। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।